जय गुरु जी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। आज गुरु जी ने मुझे ये अवसर दिया कि मैं अपना सत्संग आप सबके साथ, मुझे उस सत्संग में, गुरु जी के सत्संग में सबसे अच्छी चीज़ शांति लगी थी। और बहुत ही पिन ड्रॉप साइलेंस में सब लोगों ने गुरु जी का सत्संग किया था। और तभी मैंने कहा था कि मैं गुरु जी का सत्संग अपने घर में करूँगी। बहुत साल तक मैं गुरु जी के सत्संग का इंतज़ार करती रही। जो भी मिलता था मैं उससे यही कहती थी कि मुझे गुरु जी का सत्संग कराना है, आप प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए, मुझे गुरु जी का सत्संग कराना है, आप मेरे घर गुरु जी का सत्संग करेंगे। ऐसे करते करते बहुत साल निकल गए कि एक हफ्ते में मैंने बोला कि आज मैं गुरुजी का, इस हफ्ते में मैं गुरुजी का सत्संग ज़रूर करूँगी। और उस हफ्ते में जाने ना जाने क्या हुआ कि मुझे खड़े खड़े चक्कर आ रहे थे। मैं बहुत हैरान, क्योंकि मैं कभी बीमार नहीं पड़ती, मुझे कभी चक्कर नहीं आते, और मैं खड़े खड़े उसमें मुझे चक्कर आ रहे थे। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला आपको वर्टिब्रे हो सकता है, आप दवाइयाँ ले लीजिए। मैंने कहा मैं दवाइयाँ नहीं लूँगी। मैं घर आई और मैंने कहा कि मुझे तो इस हफ्ते में गुरुजी का सत्संग करना है और मैं गुरुजी का सत्संग करूँगी। मैंने इनवाइट भेज दिया और मुझे लगा कि अब तो इनवाइट चला गया है, अब तो गुरुजी का सत्संग हो ही जाएगा। मैं नीचे उतर के गई, मैंने अपनी एक फ्रेंड को बोला कि मुझे अपने घर में गुरुजी का सत्संग करना है। और ये थर्सडे की बात है और सैटरडे को मैंने अपने घर में गुरुजी का सत्संग किया। बहुत ही अच्छे से गुरुजी ने मेरे घर में सत्संग कराया और मेरी इस फ्रेंड ने सब कुछ किया। और उस दिन गुरुजी ने पहली बार चाय प्रसाद में मेरे घर में दर्शन दिए। बहुत ही क्लियर ओम बना चाय प्रसाद में। और जब सत्संग हो गया तो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिखाया कि देखो आज गुरुजी ने तुम्हारे घर में चाय प्रसाद में दर्शन दिए थे। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। बट वो ओम इतना क्लियर था कि मैंने कहा आज गुरुजी ने मेरे घर में दर्शन दिए हैं। मैंने बहुत शुक्राना किया। शुक्राना के साथ साथ मेरे अंदर एक अहम भी आ गया था, एक मैं आ गई थी कि मैं हमेशा से माता रानी की भक्त रही हूँ और मैंने जो माँ से मांगा है वो माँ ने मुझे दिया है, हंस के रुला के हमेशा दिया है। बहुत डर के मैंने अपना जीवन बिताया है, कभी कुछ गलत नहीं करना, बहुत पूजा पाठ करनी, पर माता रानी से मैंने जो मांगा वो माँ ने मुझे दिया है। और गुरुजी ने जब पहली बार मुझे दर्शन दिए तो मैंने कहा देखो मैं तो, मतलब माता रानी भी मेरी, बाबा भी मेरे और अब गुरुजी भी मेरे, तो बहुत ही मैं आ गई थी मेरे अंदर। एक दिन मैं सत्संग अटेंड कर रही थी और वहाँ पर फ्लावर की पेटल्स पड़ी थी बहुत सारी। मैंने उसमें एक फ्लावर की पेटल अपने हाथ में उठाई और उस फ्लावर की पेटल में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने चारों तरफ उस पेटल को घुमाया, बहुत साइंस, बहुत लॉजिक लगाया कि ये ज्योत की रिफ्लेक्शन है, ऐसे है। बट मैं उस पेटल को बहुत बार इधर से देखा, उधर से देखा, जहाँ से देखा मुझे उस पेटल में गुरुजी के दर्शन हुए। और वो पेटल पूरे सत्संग में मैं लेकर बैठी रही, बार बार उसको देखती रही। और जब सत्संग पूरा हुआ तो मैंने कहा अब, पर उसमें भी गुरुजी के दर्शन, तो मैंने कहा अब मैं इस पेटल का क्या करूं। जैसे हम होते हैं इंसान, मैंने वो पेटल उठाई और अपनी दुपट्टे में बांध ली। मैंने कहा अब तो गुरुजी मेरे साथ ही लगता है घर जाएंगे। और मैंने गुरु प्रसाद लिया और मैं वो पेटल, आज भी वो उस दुपट्टे में वो पेटल वैसी ही बंधी हुई है। और ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी पे विश्वास बढ़ता चला गया। मुझे जो गुरुजी ने दिया, पिछले 3-4 साल हो गए मुझे गुरुजी से जुड़े हुए, मतलब एक्चुअली क्लोजली जुड़े हुए, वो मुझे गुरुजी ने जीना सिखाया। मैं दुनिया से बहुत डरती थी, मैं भगवान से बहुत डरती थी, मुझे अपने आप, मैं बहुत ही सक्सेसफुल, माता रानी की कृपा से बहुत सक्सेसफुल हूँ, बट फिर भी मुझे अपने आप पे विश्वास नहीं था। अगर कोई कहता था कि तुम मतलब किसी से मुझे सुनने को मिलता था कि तुम अच्छी नहीं हो, तो मेरे को लगता था मैं अच्छी नहीं हूँ। बट गुरुजी ने जो मुझे दिया 3 सालों में, मुझे अपने ऊपर विश्वास दिया। बार बार उन्होंने मुझे यही बताया कि तुम्हारे पास सब कुछ है, सिर्फ अपने ऊपर विश्वास की कमी है। उन्होंने मुझे बुरी संगत से बचाया, उन्होंने मुझे लोगों के पीछे भागने को मना किया कि किसी के पीछे नहीं भागो,
आप अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करके रखो, जिसको आना होगा वो आपके पास अपने आप आएगा। गलत काम करने से बचाया, बिचिंग करने से बचाया उन्होंने इन 4 सालों में, जो मेरे कर्मास ठीक करे हैं और मुझे लगता है कि शायद आगे जीवन व्यतीत करने के लिए वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सब के लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। माँ ने मुझे बहुत कुछ दिया था बट उसको इन्जॉय करना मुझे गुरुजी ने सिखाया है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मैं कुछ सत्संग आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। एक बार जब शुरू शुरू में मैं गुरुजी के साथ जुड़ी थी तो पहला गुरुजी का जन्मदिन आया और मैंने कहा गुरुजी मैं इतनी दूर बड़े मंदिर तो आपके दर्शन करने नहीं आ सकती। तो गुरुजी ने मन में जवाब दिया कि कोई बात नहीं बेटा, इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है, तुम आइसक्रीम्स बच्चों को बाँट देना। और मैंने आइसक्रीम्स बच्चों को बांटी और उसके बाद भी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था, मैंने यूट्यूब पे गुरुजी के सत्संग होते हुए देखे थे, मैंने कहा गुरुजी अगर आपके सत्संग का दीदार मिल जाता तो बहुत ही अच्छा हो जाता आपके बर्थडे वाले दिन। संगत जी आप मानेंगे नहीं, किसी नोएडा ग्रुप में मेरे पास मैसेज आता है कि सेक्टर 137 में गुरुजी का बर्थडे मनाया जा रहा है और आप अगर इस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं। मैंने कनेक्ट किया और उसी दिन मेरे पास इनवाइट आया। मैं और मेरी मदर हम दोनों गुरुजी के बर्थडे वाले दिन गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गए, गुरु परिवार नोएडा से जुड़े पहली बार। बहुत अच्छा लगा। मेरे घर से करीबन 30-35 मिनट दूर है गुरुजी सेक्टर 137, बट गुरुजी ने मुझे उस गुरु परिवार से जोड़ा और अपने बर्थडे वाले दिन अपना सत्संग अटेंड कराया। ऐसे ही उसी गुरु परिवार नोएडा में मेरी एक दिन, हमारे गुरु परिवार नोएडा में हर मंथ सत्संग होता है और उसमें मेरी रोटी प्रसाद की सेवा थी संगत जी। और सुबह मेरी मेड नहीं आ पाई और मैं वो रोटी प्रसाद सुबह अपने घर में नहीं बन पाए और उसके बाद बच्चों के कहने पर मुझे कहीं घूमने जाना पड़ा और हम लोग वहाँ सोनीपत ढाबा में घूमने गए और दिमाग में यही घूम रहा था कि आज रोटी प्रसाद नहीं बन पाई है तो शाम को सत्संग में गुरुजी की सेवा कैसे करूँगी। मेरे अंकल ने मुझे बोला कि यहाँ हम ढाबा में आए हैं, तुम यहीं से रोटी प्रसाद पैक करा लो, उसके बाद तो तुमको सीधा सत्संग में ही जाना है। और मैं संगत जी प्राइस टैग देख रही थी और मैं कह रही थी नहीं नहीं मैं अपनी सेवा चेंज करा लेती हूँ। मैंने सेवादार आंटी को फ़ोन किया और उनको कहा कि आप मेरी सेवा रोटी प्रसाद से बदल के गुड़ प्रसाद कर दीजिए। उन्होंने मेरी सेवा बदल दी, रोटी प्रसाद की सेवा उन्होंने किसी और को दे दी। संगत जी शाम को मैं घर आई, घर आने के बाद मैं तैयार होके अपनी गाड़ी लेके गुरुजी का सत्संग अटेंड करने गई। बहुत ही डिवाइन सत्संग। और सत्संग करने के बाद हम लोग सेवा करने के बाद हम प्रसाद खाने के लिए कुछ सेवादार बैठे तो आंटी ने कहा रोटी प्रसाद कम हो गई है तो रोटी प्रसाद बनानी पड़ेगी। मैं एकदम खड़ी हुई, मैंने कहा मेरी रोटी प्रसाद की सेवा थी, मैंने कहा आंटी चलिए चल के इकट्ठे रोटी प्रसाद बना लेते हैं, मेरी ही सेवा है जो गुरुजी जो आज पूरी नहीं हो पाई। और जैसे ही मैं उठी तो उनकी मम्मी अभी शायद नई नई गुरुजी से जुड़ी थी तो नीचे तक हम गए तो वो बोली कि बेटा कहाँ घर जाएंगे रोटी बनाएंगे, ये ढाबा है यहाँ से रोटी प्रसाद ले लेते हैं। और संगत जी मानिए हम वहीं गए, वहीं से हमने तंदूर की रोटी ली, हम सेवादार ने तंदूरी रोटी खाई तो गुरुजी ने मेरी सेवा पूरी कराई। इस तरीके से गुरुजी अपनी सेवा अपना काम कैसे कराते हैं, इट वॉज़ अ मिरेकल टू माई माइंड। बहुत छोटी सी चीज़ है बट देखिए उन्होंने मेरे से तंदूर की रोटी की ही सेवा लेनी थी। जय गुरुजी। ऐसे ही एक बार मैं बड़े मंदिर गई और मैंने लोधी रोड पे अपनी गाड़ी खड़ी करी थी और वहाँ से मेरे को गुड़गांव मीटिंग्स पे जाना था। वापसी में मैंने बड़े मंदिर में दर्शन करने का सोचा और मैं छतरपुर से मैंने ऑटो करा और मैं गुरुजी के बड़े मंदिर दर्शन करने गई। ऐसा बहुत कम हुआ है कि मुझे ऑटो में बड़े मंदिर बुलाया हो गुरुजी ने और वो ऑटो ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे और बहुत गर्मी का समय था, करीबन 4-4:30 बजे थे और मैं कह रही हूँ कि गुरुजी ये तो बहुत मुश्किल है, मैं लोधी रोड वापस कैसे पहुँचूँगी।
संगत जी, मैं बार बार यही कह रही थी गुरुजी से, गुरुजी मैं लोधी रोड वापस कैसे पहुंचूंगी। मैंने ये नहीं कहा गुरुजी मैं घर वापस कैसे जाऊंगी, मैं यही कहती रही गुरुजी लोधी रोड, क्योंकि लोधी रोड मेरी गाड़ी खड़ी थी। मैं गई, मैंने गुरुजी के दर्शन करे, दर्शन करते करते मैं गुरुजी से एक ही चीज़ कह रही थी, गुरुजी रास्ता बहुत लंबा है, मैं लोधी रोड कैसे पहुंचूंगी। और संगत जी आप मानिए, मैं बड़े मंदिर से बाहर निकली और एक ओला खड़ी थी, ओला अंदर जानी अलाउड नहीं होती, बट एक ओला खड़ी थी। और मैंने उस ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा भैया आप लोधी रोड जाएंगे? तो जो आंटी उस गाड़ी में बैठी थी बोली बेटा हम लोधी रोड से ही आए हैं। तो मैंने कहा फिर तो बुक कराने की भी ज़रूरत नहीं है बेटा, जितना इन आंटी ने दिया है मैं तेरे को दे दूँगी, तू मेरे को लोधी रोड छोड़ दे। और उसने मुझे बिठा लिया और मैं लोधी रोड के लिए चल पड़ी। ऐसे ही दूर एक संगत हमको देख रही थी, मतलब उस गाड़ी को देख रही थी बेसिकली, वो भी वो गाड़ी लेना चाहते थे, पर मैं बैठ गई उस गाड़ी में। थोड़ा आगे जाके एक संगत पैदल जा रही थी, मैंने गाड़ी को रोका, मैंने कहा आंटी आप कहाँ जाना चाहते हैं? बोला बेटा हमें छतरपुर से मेट्रो लेनी है। मैंने कहा आप बैठिए मैं आपको छतरपुर तक छोड़ देती हूँ। और उन्होंने बोला अरे ये तो वही गाड़ी है जो हम भी लेना चाह रहे थे। तो गुरुजी ने उनकी इच्छा भी पूरी करी, मेरी इच्छा भी पूरी करी, मुझे भी लोधी रोड तक गाड़ी दिलवाई। तो जो भी आप बड़े मंदिर जाके मांगते हैं या रास्ते में गुरुजी से मांगते हैं वो ज़रूर पूरा होता है, बट वही पूरा होता है जो आप मांगते हैं। और उनको मैंने छतरपुर छोड़ा और गुरुजी ने बहुत ही जल्दी आधे घंटे में मुझे लोधी रोड पहुँचा दिया। मैंने लोधी रोड से अपनी गाड़ी उठाई और मैं अपने घर के लिए आ गई। उस दिन इतनी बारिश हुई संगत जी कि 2 घंटे मुझे लग गए अपने घर पहुंचने में। जय गुरुजी, गुरुजी से जो मांगा था उन्होंने पूरा किया, उसके बाद की जर्नी मेरी अपनी थी। ऐसे ही एक बार मुझे गुरुजी का सत्संग करना था और क्योंकि हमारा गुरु परिवार सेक्टर 137 में है, तो मैं गुरुजी से कह रही थी कि गुरुजी सब आएं तो मैं नोएडा में ही सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने बहुत ढूंढा कि इसमें कर लूँ, इस घर में कर लूँ, यहाँ कर लूँ, बैंक्वेट हॉल में कर लूँ, ऐसे ढूंढ रही थी कि इतने में मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि दीदी इधर उधर क्या ढूंढ रही है, मेरी सिस्टर नोएडा में रहती हैं, मेरा घर भी तेरा ही घर है तो यहाँ पे कर ले। और उस समय संगत जी मेरे सिस्टर के घर में या मेरी सिस्टर कोई भी गुरुजी को नहीं मानते थे, मतलब ऐसे नहीं मानते थे हम लोग। तो उसने मुझे अपना घर दिया और पहली बार जिंदगी में मैंने ये एहसास किया कि मेरे अंदर वो मैं नहीं थी, कि सत्संग मेरे घर नहीं हो रहा, इतनी रौनक मेरी बहन के घर में लगी है। मैं झूठ नहीं बोलूँगी बट इतनी अच्छी इंसान मैं नहीं थी तब तक। बट उस दिन मुझे बिल्कुल नहीं लगा गुरुजी ने मेरे हाथों से जो काम कराया और गुरुजी ने कहा बेटा इसका सबसे पहले पुण्य तुझे, बाद में बाकी सबको, बट सेवा निष्भाव से करना, मन में एक मार भी ये मत लाना कि मेरे घर में पूजा नहीं हुई। और इतना अच्छा लगा। और उस दिन के बाद से मेरी सिस्टर, उनके घर में सब, मेरी मदर, हम लोग सब गुरुजी को बहुत मानते हैं। तो मुझे गुरुजी ने साधन बनाया बट मेरे साथ साथ बहुत सारे लोग गुरुजी के साथ जुड़े। सो ऐसे हैं हमारे गुरुजी, हमें बहुत इन रियल फॉर्म वो गुरु हैं जो हमें जीना सिखाते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सब गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद सब अच्छा ही होता है, बट गुरुजी अच्छा और बुरा सहने की शक्ति देते हैं, बहुत हिम्मत देते हैं और आपको सही राह दिखाते हैं। एक और सत्संग है गुरुजी, संगत जी, मेरा बेटा बैंगलोर पढ़ने गया था, इस बात को भी अभी ये थर्ड ईयर है उसका, फर्स्ट ईयर में वो बैंगलोर गया था और बिकॉज बैंगलोर और यहाँ के क्लाइमेट में बहुत डिफरेंस है, तो उसको वहाँ जाके वो काफ़ी उसको बुखार वगैरह हो गया था, काफ़ी बीमार हो गया था और मैं बहुत परेशान होती थी। एक दिन ऐसे ही मैं फ़ोन पर बहुत लोगों से बात कर रही थी, तभी रघुवीर अंकल मेरे साथ जुड़े थे, मतलब मैं उनके साथ जुड़ी थी नोएडा में एक सत्संग में। तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा अंकल आप बैंगलोर में किसी को जानते हैं? ऐसे ऐसे मेरा बेटा बहुत बीमार है और मैं अभी जा नहीं पा रही हूँ। तो उन्होंने एक संगत को वहाँ पर बोला कि बेटा आप
जाइए और इस बच्चे को देखिए, इस हॉस्टल में रहता है, वो बच्चा आईटी इंडस्ट्री में काम करता है और उसने कुछ नहीं देखा, 2 घंटे का सफ़र था उसके ऑफिस से मेरे बेटे का हॉस्टल, उसने ऑफिस छोड़ा और वो हॉस्टल आया और उसने देखा कि उस बच्चे को मदद की ज़रूरत है, उसने उस बच्चे को वहाँ, मतलब मेरे बेटे को लिया और वो वहाँ टेस्ट कराने, एक डॉक्टर को उसने पहले दिखाया और डॉक्टर ने उसको बोला कि आप ब्लड टेस्ट कराइए, उस डॉक्टर को उस समय देखकर टाइफॉइड लग रहा था और उस डॉक्टर की कभी भी प्रिस्क्रिप्शन गलत नहीं होती। मेरे बेटे को वो टेस्ट कराने ले गए और मेरे बच्चे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, उन्होंने उसको गाड़ी में लिटाया और 2 घंटे वो सेवादार वहीं पर खड़ा रहा जब तक कि ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स नहीं आ गई। और उसके बाद उसने मुझे फ़ोन किया, बोला आंटी गुरुजी ने कृपा कर दी है। जब वो गया था तब हम सबको लग रहा था कि कोई प्रॉब्लम है, बट उसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट्स में कुछ भी नहीं आया। और उसके बाद उसने उसको, मेरे बेटे को हॉस्टल में छोड़ा और बहुत दिनों तक उसने उसका ध्यान रखा, दवाई फल सब कुछ। मैं तो दिल्ली में बैठी थी, तो ऐसा है हमारा गुरु परिवार, उन्होंने, उसके बाद जब मैं बैंगलोर गई तो मैंने उनका शुक्राना करा। जब मैं बैंगलोर, उसके बाद अगले साल मैं बैंगलोर गई थी तो मैं अपने बेटे को मिली और वहाँ पे मेरे पास गुरु परिवार बैंगलोर में एक अमृत वेला सत्संग का इनवाइट आया। संगत जी, वो सत्संग सुबह 5 बजे था बैंगलोर में और बहुत दूर, मतलब वो जगह शायद मैंने कभी देखी भी नहीं थी। मैं अपने हॉस्टल से किसी से मैंने पूछा, हम जिस होटल में रह रहे थे दोनों, उसने बोला जी यहाँ से करीबन 1.5-2 घंटे का दूरी है। और मेरे को वो जगह नहीं पता थी और अमृत वेले सत्संग की मैं बात कर रही हूँ, सुबह 5 बजे का सत्संग था कहीं वाइट फील्ड में कहीं पर। और मैं हमेशा से ही बोल्ड रही हूँ, बट गुरुजी ने उस दिन बहुत साथ दिया। मैं अपने घर से निकली, मुझे कोई नहीं मिला, पूरे रास्ते अंधेरा था, कोई ऑटो नहीं मिला, कोई गाड़ी नहीं मिली और मैं चलती गई, जिससे पूछा उसने मुझे मना कर दिया। मैं बहुत दूर तक चलती गई, फिर एक गाड़ी पीछे से आई वाइट कलर की, उसने मुझे बोला आंटी आपको कहाँ जाना है। मैंने कहा बेटा मुझे यहाँ जाना है, बट मैंने कहा आप वहाँ जा रहे हो, बोला नहीं मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, बट मैं आपको छोड़ देता हूँ। मुझे ऐसा लगा संगत जी कि जैसे वो गुरुजी का भेजा हुआ इंसान था, वो वहाँ जा नहीं रहा था, कैसे मैं रात के अंधेरे में, किसी अनजान बच्चा था, कैसे किसी अनजान व्यक्ति के साथ मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बैठ गई। उससे मैंने बात करी, आप कहाँ काम करते हो, क्या करते हो, कह रहा मैं चेन्नई में काम करता हूँ। मैंने कहा यहाँ बैंगलोर में थोड़े दिन के लिए आया हुआ हूँ। और उसने मुझे वहाँ गुरुजी के अमृत वेला सत्संग में पहुँचा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो चाहो अगर गुरुजी से, तो गुरुजी इस तरीके से पूरा करा देते हैं। ऐसे ही मैंने सुखमनी आंटी के बारे में सुना था चंडीगढ़ में, और मैंने चंडीगढ़ का ऑफिशियल ट्रिप बनाया और किसी ने मुझे सुखमनी आंटी की डिटेल्स दी थी, मैंने उनसे कॉल करा और मैं उनके घर गई। उन्होंने मुझे 1.5-2 घंटे गुरुजी के बारे में एनलाइटन किया, गुरुजी के बारे में बताया, और जो चीज़ें मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी उन्होंने वो चीज़ें मुझे बताई कि गुरुजी के साथ जुड़ना किसे कहते हैं। उनकी, उन्होंने एक बुक भी लिखी है, वो बुक मैंने पूरी पढ़ी। तो ऐसे धीरे 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 गुरुजी ने अपने साथ मुझे जोड़ा है। और मेरी गुरुजी से यही रिक्वेस्ट है कि गुरुजी इसी तरीके से मुझे अपने साथ जोड़े रखना और अच्छा इंसान बनाना, और आगे आप जो भी सोचते हैं हमारे अंदर कमियां हैं उनको दूर करना। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी।